अगले पार्टिसिपेंट का नाम है मानव डगली। महर, मेरा नंबर आ गया। हाँ, ये सब छोड़, तू चल चल चल। बच गया, वरना पोल खुल जाती, तो मैं पहले राउंड में डिस्क्वालीफाई हो जाता। चल मानो, सारे सब से आता ना। मस्त डांस कर रही है माना, वेरी गुड माना, वेरी गुड। बॉस, कहा था आपको कि मत लो इस छोटे प्रभुदेवा से पंगा। पढ़ दिया ना ये 20 किलो का बच्चा इस 200 किलो के हिप्पो पे भारी। शट अप, और मुझे कोई आइडिया सोचने दो। मेरा काम तो हो गया। रोनी के बच्चे ने जानबूझकर मानव का ध्यान भटकाने के लिए सब किया, ताकि मानव अपने डांस स्टेप्स भूल जाए। तो बच्चों, अब मैं डांस कंपटीशन के रिजल्ट अनाउंस करूंगा। प्राची दवे को मिलते हैं 10 में से 8 मार्क्स, ओम पटेल को मिलते हैं 10 में से 6 मार्क, दिया जोशी को मिलते हैं 10 में से 7 मार्क। तो बच्चों, अब लास्ट में 2 नाम बचते हैं, रोनी और मानव। दोनों ही बच्चों ने बहुत ही शानदार डांस किया, इसलिए रोनी मेहरा को उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मिलते हैं 10 में से पूरे 10 मार्क। यस! और अब लास्ट में नाम बचता है मानव डगली का। मानव ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन लास्ट में वो एक दो स्टेप भूल गया, नहीं तो उसको भी मिलते 10 में से पूरे 10 मार्क्स। लेकिन अब उसे मिलते हैं 10 में से 9 मार्क्स। बच्चों, अब से थोड़ी देर में शुरू होगा क्विज कंपटीशन, इसलिए बच्चों क्विज की तैयारी शुरू कर दीजिए। इस रोनी ने जानबूझकर मेरा कंसंट्रेशन हटाया था, और हमें इसके बारे में बालवीर को बताना होगा। नहीं मानव, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब 2 राउंड्स बाकी है, और मुझे पूरा यकीन है
कि वो दो राउंड तू ही जीतेगा और इस चालबाज रानी को तो हमें हराना ही होगा। चल अब नेक्स्ट राउंड की तैयारी करते हैं। देख नहीं चल सकते, वही कैसे तुम्हारी हिम्मत मुझे धक्का देने की? सजा मिलेगी इसकी, बराबर सजा मिलेगी, क्योंकि है नहीं दिया धक्का तुमने किसी अरे घरे को, बल्कि है दिया धक्का तुमने बालू के मित्र डुबाड़ुआ एक को। नहीं नहीं, अरे है नहीं कोई मामूली चीज, है ये मेरे प्यारे मित्र बालवीर। बालवीर का खिलौना, बालवीर। डुबाडू भाई, हमने तुम्हें सेनापति इनकी मदद करने के लिए बनाया है, ना कि इन पर अपना हुकुम चलाने के लिए। हो गई गलती मुझसे बालवीर, कर दो माफ मुझे। बालवीर क्यों चले गए छोड़ के तुम मुझे? कौन डांटेगा मुझे मेरी गलतियों पर? ऐसे लगेगा स्वाद क्रीम का तुम्हारे बिना, ऐसे डूबा डूबा एक नहीं खाऊंगा आज के बाद, मैं हिम क्रीम कभी नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं डुबा डुबा चार नहीं डुबा डुबा भाइयों नहीं डुबा डुबा भाइयों रोना नहीं। चलो हो गया है समय अपने प्रिय मित्र बालवीर के प्रिय चीजों को अंतिम यात्रा पे ले जाने का। चलो चलो सब मामला रेडी है, बस अब इनका कनेक्शन कर देता हूं मैं। अरे ओहो, अरे यार मेन स्विच तो मैं ऑफ करके आया था, अरे जब ऑन करूंगा तभी तो करंट आएगा इसमें, अभी ऑन करके आता हूं। बॉस, आप क्या यहाँ बल्ब चुराने आए हो? हाँ बॉस, आप ऐसे चिंदी चोरी क्यों कर दो? अरे इडियट्स, मैं चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लूं, ये कंपटीशन नहीं जीत सकता। अरे बॉस ट्राई तो करो, चल केवल हम बॉस के लिए नर्सरी की बुक लेके आते, चल डोंट एंग्री रोनी। मैं कंपटीशन तो जीतूंगा लेकिन पढ़ाई करके नहीं, चीटिंग करके। मैं मानोगे बजर का कनेक्शन ही लूज कर दूंगा, फिर चाहे वो कितनी बार भी बजर दबाए बत्ती जलेगी ही नहीं। वाह बॉस, आजकल क्या दिमाग तेज करने की दवाई खा रहे हो? हाँ बॉस, खाते जैसा दिमाग लोमड़ी जैसा काम कर रहा है। इडियट्स, अब चलो कनेक्शन लूज करने। चलो ये रहा। रोहित अपना रुमाल दो। क्यों? अरे रुमाल पकड़ के कनेक्शन लूज करूंगा तो सेफ रहेगा ना। बस क्या बॉस, बस ये सारे कनेक्शन बंद पड़े और आप आपकी सेफ्टी के लिए मेरे साफ रुमाल वेस्ट करोगे? अरे बॉस आप बिंदास हाथ यूज करो, कुछ नहीं होगा। ओके ओके, हाँ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। परियों, ये हमारे लिए बहुत दुख की घड़ी है।
कि आज बालवीर हमारे साथ नहीं है, पर दिल को कड़ा करके हमें बालवीर की अंतिम यात्रा को पूरा करना चाहिए। रानी परी, आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रही है? आप कह रहे ना बालवीर आएगा, बालवीर जरूर आएगा परियो, हम जानते हैं बालवीर जरूर आएगा। ये आपका भ्रम है बालपरी, है बालपरी, ये आपका भ्रम है बालपरी, है बालपरी। हमारा मतलब है कि बालवीर के जाने का दुख हम सबको है बालपरी। आप उसकी माँ हैं, इसीलिए आपका मन नहीं मान रहा है कि बालवीर अब नहीं आने वाला। लेकिन सच यही है बालपरी कि बालवीर अब इस दुनिया से जा चुका है। डूबा डुबाऊं, बालवीर की अंतिम यात्रा के लिए उसकी सभी प्रिय वस्तुएं यहां लाई जाएं। से कुछ ही समय में बालवीर की यादें तितलियां बनकर स्मृति वृक्ष पर बस जाएंगी। अगर आप लोग चाहें तो एक आखिरी बार बालवीर की सभी प्रिय वस्तुओं को देख सकते हैं। सब कुछ छोड़ के क्यों गए बालवीर? जहां कहीं भी हो बालवीर, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। अब श्रद्धांजलि का समय हो गया है।
रानी परी, आप अपनी जगह सही है, पर हमारा दिल कह रहा है कि बालवीर आएगा, वो जरूर आएगा। सारी परिस्थितियां गलत हो सकती है, पर एक माँ का दिल गलत नहीं हो सकता। बालवीर जरूर आएगा। अलविदा बालवीर, इसी के साथ तुम्हारा अस्तित्व यही समाप्त होता है। अलविदा, सदा सदा के लिए अलविदा। परियों, संभालो अपने आप को। सबसे पहले अपने आंसू पोछो। और आप सभी मुझे रानी महल में आकर मिलिए। हमें आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। यार केवल, हमें कब कोई अकल वाला बॉस मिलेगा? हाँ यार, ये हाथी तो मोंटू गेंडे से भी मोटी अकल वाला है। यार केवल, मैं सोच रहा हूँ ये पिज्जा बर्गर खाने ही छोड़ दूँ, क्योंकि ये पिज्जा बर्गर के चक्कर में तुमने बहुत मार खाई है यार। हाँ यार, सोच तो मैं भी रहा हूँ। और पिज्जा का चीज, जलेपिनोस, ऑलिव्स, कैप्सिकम, ऑनियन, पनीर, आई लव पिज्जा। मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ लेकिन पिज्जा नहीं। यार केवल, ये रॉनी गेंडा इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, एटलीस्ट हमें पिज्जा बर्गर तो खिलाता है। पर अब तक है कहाँ वो टेम्पो? है नहीं, लगता है रास्ते में पंचर हो गया होगा। बस हम आप ही की तारीफ कर रहे थे। मारो क्या? नहीं, मत 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 मारो। वैसे है कहाँ आप अब तक? कब से आप ही का वेट कर रहे हैं? मैं क्विज कंपटीशन जीतने की तैयारी कर रहा था। लो, कर क्या ना फिर से बेकार का काम। अरे बॉस, आप कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन ये क्विज कंपटीशन माना भी जीतेगा। वो देखो कितनी मोटी मोटी किताबों से पढ़ाई कर रहा है। और बॉस, वो तो तीन के ऊपर टेबल भी नहीं आता है। अरे टेबल्स को छोड़, उनको तो एबीसीडी भी ठीक से नहीं आती है। कंपटीशन का खाक जीतेंगे। इडियट्स! बॉस, तुम दोनों बच्चे हो, अकल के कच्चे हो। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। चिढ़ाओ चिढ़ाओ और चिढ़ाओ। आज तुम्हें खाने में पिज्जा नहीं, सूखी ककड़ी मिलेगी। बॉस, आपको कैसे पता चला? ये हम आपको पीछे से मुंह चिढ़ा रहे थे। तीसरी आंख से। ये पेन मेरी तीसरी आंख है। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और इसके सामने जो कुछ भी होता है ना, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सीधा इस वॉच में आती है। मैं ये पेन सर को दे दूंगा और सर इस पेन को अपनी फ्रंट पॉकेट में डाल देंगे। उसके बाद सर जिस भी पेपर से क्विज पढ़ेंगे, उस पेपर पे लिखे हुए सारे आंसर्स मुझे इस वॉच में दिख जाएंगे। मानव और बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे और मैं चीटिंग करके जीत जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे रानी? मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर, बालवीर, नहीं, बालवीर जल्दी आओ और देखो रानी कितनी बड़ी चीटिंग करने वाला है। बालवीर, We'll be right back.
क्या है, बालवीर जी बहुत बिजी है, लेकिन जब तक बालवीर जी आएंगे तब तक तो मैं कॉम्पिटिशन जीत चुका हूँगा। देख रानी, बालवीर जरूर किसी मजबूरी में होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी सर को बुलाती हूँ और सर को ये बताती हूँ कि तू कितनी बड़ी चीटिंग कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, हाँ तो जाओ जाओ बता दो सर को, लेकिन तुम प्रूव कैसे करोगी? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं चीटिंग कैसे करने वाला हूँ। मैं तीन में से दो कंपटीशन तो मैं ही जीतने वाला हूँ और मिडिल स्कूल कैप्टन भी मैं ही बनने वाला हूँ। ये गेंडा तुम्हारी और मानो की लगेगा वाट। हाँ तो ये हाथी हम दोनों को खिलाएगा चाट और तुम दोनों को टीचर्स की डांट। चलो। बालवीर, बालवीर तुम कहाँ हो? बालवीर प्लीज जल्दी आ जाओ वरना सच्चाई हार जाएगी। बालवीर बच्चों साइलेंस, आप क्विज कंपटीशन के सारे कंटेस्टेंट एक एक करके स्टेज पे आएंगे। रोनी अपनी सीट पे जाओ। अरे सर, मैं तो बस आपको सिर्फ इतना कहने आया था कि मैंने बहुत सारे सर देखे, लेकिन सर आप जैसा सर मैं पहली बार देख रहा हूँ। रोनी मस्का नहीं, काम बोलो। नहीं सर, मैं काम से थोड़ी आया हूँ, मैं तो हम बच्चों की तरफ से आपके लिए गिफ्ट लेके आऊं। हम बच्चे ये चाहते हैं, इस पेन को आप अपनी पॉकेट में रख दीजिए, इससे इस पेन की इज्जत और बढ़ जाएगी। नो नो रोनी, मैं ये पेन नहीं ले सकता हूँ, मैं बच्चों से गिफ्ट नहीं लेता। सर प्लीज ले लीजिए ना पेन, नहीं तो फिर सर स्टूडेंट्स को बुरा लग जाएगा, उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी, सर उदास हो जाएंगे, हम सब रोने लग जाएंगे, सर प्लीज ले लीजिए सर। नहीं रोनी, मैंने बोला ना ये मेरे आंसुओं के खिलाफ है, मैं नहीं लेता हूँ बच्चों से गिफ्ट। प्लीज सर, हम लोगों के लिए प्लीज। ओके ओके, अब बच्चों की खुशी मेरी खुशी है। अरे सर टेबल पे मत रखिए, नहीं तो टूट जाएगी। टूट जाएगा, मेरा मतलब है दिल टूट जाएगा सर हम लोग का। सर अगर आप इस पेन को अपनी फ्रंट पॉकेट छोड़ के कहीं पे भी रखेंगे तो दिल टूट जाएगा ना सर हमारा। ओके ओके, अभी मैंने पेन ले लिया, फ्रंट पॉकेट में लगा लिया। ओके अब जाओ यहाँ से, मेरे सिर पे मत खड़े रहो। पर सर मैं सर पे कहाँ खड़ा हूँ, मैं तो रोनी। ओके ओके सॉरी सर, सॉरी सर। तो बच्चों मिडिल स्कूल कैप्टन 2014 का सेकंड राउंड यानी कि क्विज कंपटीशन शुरू होने जा रहा है। ये एक बजर राउंड है, मैं कंटेस्टेंट से 50 क्वेश्चंस पूछूंगा और जिस भी बच्चे को उस क्वेश्चन का आंसर आता होगा वो बजर दबाएगा और वो उस क्वेश्चन का आंसर देगा। लास्ट में जो भी बच्चा सबसे ज्यादा आंसर देगा वो ये क्विज कंपटीशन और ये राउंड जीतेगा। ओके Yes, sir. तो बच्चों इस क्विज कंपटीशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, पटना किस स्टेट का कैपिटल है? आंसर है बिहार। पटना किस स्टेट का कैपिटल है? सर बिहार। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे पता है रोनी कि तू चीटिंग कर रहा है, पर ये समझ नहीं आ रहा है कि तू चीटिंग कर कैसे रहा है। लेकिन कोई बात नहीं बच्चू, बालवीर हमेशा कहता है कि अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है, इस बार भी वैसा ही होगा, देख लेना। इस बार सच्चाई नहीं बुराई जीतेगी, बुराई। रानी परी, ओ रानी परी,
परी। होती नहीं हजम इस बुरी परी भयंकर को तारीफ। इसने नहीं जवाब दे रही मुझे रानी परी कह के बुलाने पर भी। अभी बुलाता हूँ इसको इसके असली नाम से। परी भयंकर। अरे परी भयंकर। बेवकूफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतनी जोर जोर से मेरा नाम क्यों बुला रहे हो? अगर किसी को पता चल गया ना तो मेरी सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। अरे आपकी योजनाओं रहा उस सड़ में अकेला वहाँ भयानक लोक में और यहाँ आप दोनों कर रहे आराम से मजे। संयम, हर चीज का समय होता है। सबसे पहले मुझे बालपरी से बालवीर का वो जादुई दंड हासिल करना है और उसकी शक्तियां जयवीर के दंड में मिलानी है। अच्छा, फिर है क्या करना उसके बाद? बोलिए। उसके बाद उसके बाद मुझे पृथ्वी लोक के सारे बच्चों को बताना है कि वो कितने बेसहारा हो चुके हैं। उनका रक्षक बालवीर खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाया। भस्म हो गया, भस्म। कितना मजा आएगा जब बच्चे ये खबर सुनकर रोएंगे, तड़पेंगे और अपने आप को कितना बेसहारा और लाचार महसूस करेंगे। अरे भाई क्या, अब माननी पड़ेगी आपको मेरी एक बात। लोग में ये बुरी खबर सुनाने जाऊंगा सबसे पहले मैं। बच्चों को इससे तड़पता हुआ देखूंगा मैं। ये महान वीर योद्धा तोबा तोबा। ठीक है तोबा तोबा, अब जाओ। ठीक, उठ चलता मैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है, कोई और बच्चा देता है,
तो ये क्विज कंपटीशन रोनी जीत जाएगा। और ऐसी सूरत में रोनी तीन में से दो राउंड जीत के बनेगा मिडिल स्कूल कैप्टन ऑफ 2014। तालियां। पूछने वाला हूं इस क्विज कंपटीशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है परियों ने सब सुन लिया। से पहले कि ये कोई कदम उठाए मुझे इन पर आक्रमण करना होगा। रानी परी, ये तौबा यहाँ क्या कर रहा है? बच गए, इन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। अब परी बहक, ये तौबा हमसे माफी मांगने आया था, कह रहा था कि अच्छा और सच्चा बनकर वापस परीलोक में आना चाहता। सच्चा और अच्छा तोबा नहीं रानी परी, आप इस तोबा की बातों में मत आइए। ये झूठा और मक्कार है, मौका मिलते ही हमें चोट पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ रानी परी, ये धोखेबाज है, ये माफी के लिए ही सजा के लायक है। मुझे परी भयंकर, देखा सही कहा आपने परियों, ये कभी नहीं सुधर सकता। आज भी इसकी जुबान पर भयंकर परी का ही नाम है। अगर इसकी जुबान पर वही नाम है तो दिल में भी वही बुराई होगी। डूबा डुबाओ रानी परी, कर रही है। ले जाओ इसे और बंद कर दो कैद खाने में। नहीं नहीं रानी परी, ये क्या कर रही है आप, क्या कर रही है आप? नहीं नहीं रानी परी, नहीं। रानी परी, इस तौबा के चक्कर में आप हमें ये बताना तो भूल ही गई कि आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है। हाँ, हमने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया था कि अब हमें बालवीर की जगह जयवीर को पृथ्वीलोक भेजने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। जी रानी परी। हाँ रानी परी, आप सही कह रही हैं। जयवीर को बच्चों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने से पहले हम चाहते हैं कि बालवीर का जादुई दंड शस्त्रगार में ना रखा जाए। क्यों रानी परी? क्योंकि अपार शक्तियों से भरा वो दंड अगर किसी बुरी ताकत के हाथ लग गया तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि बालवीर के जादुई दंड की शक्तियां जयवीर के दंड के साथ मिला दी जाए ताकि वो अधिक शक्तिशाली बन जाए। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज अनाउंस करना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। मेरा कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपको मुंह जबानी आंसर नहीं करना है, बल्कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख के देंगे। तो बच्चों, अब मैं
आएगा वो बजर दबाएगा और इस बोर्ड पे जाके अपना आंसर लिखेगा। तो आपका क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकली की स्पेलिंग क्या होती है? मर गए, सर ने तो पेपर ही फोल्ड कर दिया, अब क्या करूं? चांस तो लेना ही पड़ेगा। साइकोलॉजिकली की स्पेलिंग है PSYCHOLOGICALLY। बच गया, बजर बच गया, लेकिन इस बार दो बच्चों ने साथ में बजर बजाया है, रोनी और मानव। तो तुम दोनों साथ में जाके बोर्ड पे अपनी अपनी स्पेलिंग लिखो। नहीं नहीं सर, साथ में कैसे? अगर उसने मेरी स्पेलिंग कॉपी कर ली तो? ए रोनी, मैं तेरी निकल करके अपनी स्पेलिंग रॉन्ग नहीं करवाना चाहता। मानव, रोनी रोनी, नो वायलेंस साइलेंस, अब अपनी अपनी जगह पे जाओ। इसका उपाय हमारे पास है, तुम इस पे अपनी साइकोलॉजिकली की स्पेलिंग लिखो और रोनी तुम इस पे लिखो। तो बच्चों आप दोनों के पास 30 सेकंड है और आपका टाइम शुरू होता है नाउ। क्या लिखा है? PSYKOL। देखिए रोनी ने लिखा है साइकोलॉजिकली। इससे गलत स्पेलिंग मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी साइकोलॉजिकली की। गलत जवाब रोनी। अब दिखाओ मानव तुमने क्या लिखा है। PSYCHOLOGICALLY। ये देखिए एकदम करेक्ट स्पेलिंग साइकोलॉजिकली की। वेरी गुड मानव, वेरी गुड। थैंक यू सर। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर देके मानव का स्कोर भी हो गया है 20। तो रोने का भी 20 और मानव का भी 20। ये तो 20-20 का मैच शुरू हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों का स्कोर सेम होने के कारण ये कंपटीशन टाई होता है। तो बच्चों मिडिल स्कूल कैप्टन 2014 के दो कंपटीशन हो चुके हैं और अब तक हमने देखा है कि रोनी 1-0 से इस कंपटीशन को लीड कर रहा है। अब हमें यह देखना है कि रोनी कल होने वाले रेसिंग कंपटीशन में अगर जीतता है तो रोनी बनेगा मिडिल स्कूल कैप्टन ऑफ 2014। लेकिन अगर कल रोनी नहीं जीतता है और मानव या कोई भी दूसरा बच्चा रेसिंग कंपटीशन में जीतता है तो ये कंपटीशन 1-1 से टाई हो जाए। उस सूरत में हमें वोटिंग का सहारा लेना पड़े और जिस भी बच्चे को ज्यादा वोट मिलेंगे वो बनेगा मिडिल स्कूल कैप्टन ऑफ 2014। बालवीर की आखिरी निशानी है, ये बालवीर का जादू रन हम नहीं देंगे। बालपरी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं
परंतु अगर हमने बालवीर के जादुई दंड का इस्तेमाल नहीं किया तो उसकी शक्तियां व्यर्थ चली जाएंगी। लेकिन अगर हमने बालवीर के जादुई दंड की शक्तियां जयवीर के दंड में मिला दी तो जयवीर का दंड महाशक्तिशाली हो जाएगा। फिर भयंकर परी जैसी 10 भयंकर परियां मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाएगी। हाँ बाल परी, रानी परी सही कह रही है। बालवीर के इस जादू दंड की मदद से जयवीर महाशक्तिशाली बनकर अच्छाई और सच्चाई की रक्षा बेहतर ढंग से कर पाएगा। बालपरी, बालवीर का यह दंड रानी परी को सौंप दीजिए। बेवकूफ परियों, जयवीर महाशक्तिशाली तो हो जाएगा पर वो सच्चाई और अच्छाई की नहीं बुराई की रक्षा करेगा। बुराई की। हे बालपरी, शक्ति दे खरी। हे अटकाती परी, शक्ति दे खरी। हे विजदार परी, शक्ति दे खरी। रानी परी, एक जिम्मेदार परी होने के नाते हम अपने दिल को समझा लेंगे और बालवीर के दंड को जयवीर के दंड से मिलाने की अनुमति देते हैं। रानी परी, ये लीजिए बालवीर का जादुई दंड। अभी नहीं बाल परी, हम जयवीर को शक्तियां पूरे परिलोक के सामने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ ही पलों में सारी परियां परी मैदान में इकट्ठा हो जाए। जी रानी परी। भयंकर परी, अपने बालवीर का जादुई दंड क्यों नहीं लिया? क्योंकि परी मैदान में परीलोक की सारी परियां इकट्ठा होंगी और मैं एक साथ सारी परियों को कैद करूंगी। जादुई दंड तो मिला ही समझो, उसकी शक्तियों से परियों को कैद करने के बाद मेरा अगला निशाना होगा परी तारा, जिसकी ताकत से मैं सच्चाई और अच्छाई का नामो निशान मिटा दूंगी। हर तरफ सिर्फ बुराई और सिर्फ बुराई ही बुराई होगी। बॉस, आप फिर से फर्स्ट से सेकंड स्टैंडर्ड में एडमिशन ले लो और स्पेलिंग सीख के आओ, समझे? क्या मतलब? मतलब बॉस, क्या आपको साइकोलॉजिकली की स्पेलिंग नहीं आती? तुम्हें आती है? नहीं, और मुझे हिप्पो की स्पेलिंग आती है। मुझे एलिफेंट की स्पेलिंग आती है। मुझे डोंकी, मंकी, डफर, भोचू, हेड़ा, मतलब बॉस आपके हर नाम की स्पेलिंग आती है। एक तो मैं पहले से परेशान हूँ, ऊपर से तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। इतनी चीटिंग करने के बाद भी मैंने जीता, उस मारोगी तो। अरे बॉस, देख लिया ना रानी, अभी भी टाइम है, मान जाओ। चीटिंग करके किसी का भला नहीं होता है और अंत में सच्चाई और अच्छाई जीतती है। अच्छा,
अभी दिखाओ उसे एक सच्चा और अच्छा मुक्का। नहीं नहीं तू तो उठ भी नहीं पा रहा। अरे उठाओ ना मुझे। बॉस रास्ते में अगर कोई ट्रक पलट जाए तो हम दोनों मिलके उसे उठा सकते हैं क्या? तुम लोग मुझे ट्रक कह रहे हो? हाँ। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले इस मानव को देखता हूँ। मारोगे नहीं? एक पते की बात बताऊं? हाँ, नहीं मारूंगा, बताओ बताओ। बस रेस दौड़ने में मानव हीरन है तो आप कछुआ हो। हाँ, अगर वो चीता है तो आप पपीता हो। वो खरगोश है तो आप बेहोश हो। हाँ बॉस, एक छोटा सा स्नेल भी आपसे 100 गुना तेज भागता है। अरे वाह, तुम लोगों ने तो मेरी आंखें खोल दी। यहाँ मेरे गले लगो। और मारू? नहीं नहीं नहीं, बॉस नहीं, बॉस बॉस, आपको जितना पीटना है पीट लो, लेकिन सच तो ये है कि आप हाथी मोटा गेंडा की तरह स्लो भक्त और माना चीता की तरह फास्ट। हाँ बॉस, कल वो रेस पे कंपटीशन जीत जाएगा, फिर आप दोनों का स्कोर 1-1 हो जाएगा, फिर वोटिंग शुरू होगी। मैं आपको एक भी वोट नहीं, मतलब हम दोनों के अलावा किसी और बच्चे का वोट नहीं मिलेगा। और फिर मानव बन जाएगा मिडिल स्कूल कैप्टन 2014। हाँ। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, भागने का। वाह बेटा, बोले समझ गए। लेकिन भाग के जाओगा नासिक कि नागपुर? ओफो, मोटी बुद्धि। अरे शहर छोड़ के नहीं भागना है, रेस में हिम्मत दिखानी है, पसीना बहाना है, एकदम भाग मिल्खा भाग के जैसे। अच्छा देखा, मेहनत का नाम लिया नहीं, भाग गया ये गेंडा। आई एम रेडी। नो बॉस, You are not ready. You are Ronnie. Bad joke. अब कुछ काम शुरू करें। Yes, boss. बाल। बालपरी, माफ कीजिए बालपरी, आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन रहा नहीं गया मुझसे। अभी अभी आई एक बात मेरे दिमाग में, तो हो गया मैं बेचैन और आया भाग के वो बात आपको बताने के लिए। कहिए डुबा डुबा एक, क्या बात है? बालपरी, हो गया बालवीर हमसे बहुत दूर, नहीं आएगा वो लौट के वापस कभी, परंतु पृथ्वीलोक पे बल्लू का क्या? अगर नहीं जाएगा बल्लू सात सच्चों के परिवार में वापस, तो हो जाएंगे वो सारे दुखी और परेशान। हाँ डुबा डुबा एक, हम हमारे बालवीर के गम में ये बात तो भूल ही गए थे। अब हमारा दुख तो कम नहीं हो सकता, लेकिन हम सात सच्चों के परिवार को दुखी होने से तो बचा सकते हैं। आप एक काम कीजिए, आप पल्लू बनकर सात सच्चों के परिवार में चले जाइए, तब तक हम यहाँ रानी परी से बात करके इस समस्या का कोई स्थायी हल ढूंढते हैं। जी जी बालपरी। चाहिए बालपरी, आ गई है सभी परियां परी मैदान में, हो रहा है इंतजार आप ही का। हडुबा डुबा जा, हम आते। जी बालपरी। डुबडू भाई, भगवान आपकी रक्षा करे।
क्या बॉस, बुड्ढे आपको ओवरटेक करके चले जाते हैं। बॉस आपको थोड़ी स्पीड स्पीड पकड़नी पड़ेगी, स्पीड, नहीं तो गए भैंस पानी में। नहीं नहीं, अब मुझे और भागा ही नहीं जाता। इनफैक्ट अब तो मुझे भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है। आइडिया, बस जैसे गधे को हम गाजर का लालच देके पीछे भगा दें, वैसे ही हम आपको भगाएंगे। मैं तो कुछ समझा ही नहीं। हम समझाते हैं। बॉस भागने से पहले ना थोड़ा वार्म अप कर लिया करो ताकि ये चक्कर ना आए। हाँ बॉस, देखो ऐसे करो। ओके। जोर लगा के हाई। अरे उठाओ मुझे। उठाओ। आपको उठा दे, हम उठ जाएंगे। दोस्तों इधर आओ। बस आज के लिए इतना वार्म काफी हो गया। ओके अब आप स्किपिंग करो। हाँ बस। नहीं नहीं, हम लोग स्किपिंग को स्किप नहीं कर सकते। नो वे। ओके कम ऑन बस। अब क्या पीछे लो। अरे बॉस ऐसे कोई स्किपिंग करता है क्या? मुझसे ऐसे ही होता है। इसके तो कहा था स्किपिंग को स्किप करते, लेकिन तुम दोनों सुन ही नहीं रहे थे। बॉस ठीक से करो, रेस में जीतना है कि नहीं। हाँ हाँ कम ऑन बॉस, वेरी गुड वेरी गुड। अरे नहीं होता मुझसे ये मेहनत वाला काम, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मिल गया रास्ता, हम उस चूहे को पकड़ लेंगे। चूहा कहाँ चला? इधर चूहा। अरे इडियट्स, मैं मानो की बात कर रहा हूँ, वो देखो। हम मानो को पकड़ेंगे और उसे रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करने देंगे। फिर ना रहेगी बैटरी और ना बजेगा रेडियो। बैटरी रेडियो? तुम लोग ज्यादा सोचो मत, जस्ट फॉलो मी। बालपरी, आपने बालवीर के जादुई दंड की शक्तियां जयवीर के दंड में मिलाने की आज्ञा देकर सच्चाई और अच्छाई की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब जयवीर महाशक्तिशाली हो जाएगा और कोई भी बुरी ताकत उसका सामना नहीं कर पाएगी। नीचे रानी परी, बालवीर का जादुई दंड। ये जादुई दंड जयवीर के दंड से मिलते ही परीलोक को एक नई दिशा में ले जाएगा।
जयवीर, अपना दंड हवा में छोड़ दीजिए। जी रानी परी। जादुई दंड को किसी बुरी शक्ति के साथ मिलाया गया होता। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे आश्चर्यचकित होकर क्या देख रही हो परियों? पहचाना नहीं अपनी पुरानी और खतरनाक दुश्मन भयंकर परी को? ऐसा कैसे हो सकता है? भयंकर परी मर चुकी है और वो जिंदा नहीं हो सकती। भयंकर परी का एक रूप खत्म हुआ तो तुम बेवकूफ परियां समझ बैठी कि भयंकर खत्म हो गई? नहीं, भयंकर कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि भयंकर का दूसरा नाम है बुराई, और बुराई अमर होती है। अमर।